दोस्तों इंग्लैंड के महान क्रिकेटर एलिस्टर कुक को उनके आखिरी टेस्ट में भव्य विदाई दी गई। आखिरकार वह इंग्लैंड के बेहतरीन सलामी बल्लेबाज थे जिन्होंने इंग्लैंड को दुनिया की शीर्ष टीमों में लाने में अहम भूमिका निभाई। सचिन तेंदुलकर एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और उन्हें हजारों प्रशंसकों के सामने भव्य विदाई दी गई। हालांकि सभी महान खिलाड़ी इतने भाग्यशाली नहीं रहे। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे महान खिलाड़ी रहे जिनको अपने प्रशंसकों के सामने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्हें वो विदाई नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। राहुल द्रविड़। सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक राहुल द्रविड़ का टेस्ट रिकॉर्ड असाधारण रहा है। द्रविड़ ने जनवरी 2012 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेला। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद मौजूदा भारतीय अंडर 19 टीम के कोच ने सोचा कि यह क्रिकेट को अलविदा कहने और युवाओं को अवसर देने का सही समय होगा। हालांकि उन्हें इतने शानदार करियर के बावजूद हजारों क्रिकेट प्रशंसकों के सामने विदाई नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। वीवीएस लक्ष्मण। भारतीय टीम के कलात्मक बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने भारत के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। उन्होंने कई बार पिछले बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को संकट से उभारा। लक्ष्मण की प्रतिभा इस तरह की थी कि उनके संन्यास के कई सालों बाद भी भारतीय टीम नंबर 6 पर उनका उपयुक्त विकल्प खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। लक्ष्मण ने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2012 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। राहुल द्रविड़ की तरह उन्हें भी विदाई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में दुनिया भर के गेंदबाजों की धुनाई की है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 82 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से कुल 8,586 रन बनाए। दिल्ली के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने धमाकेदार शतकों से भारत को कई मैच जिताए और विपक्षी टीम के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस किया। सहवाग ने मार्च 2013 में हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला था और उन्होंने 20 अक्टूबर 2015 को अपने जन्मदिन पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। जहीर खान। भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक जहीर खान कुछ साल पहले भारत के गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य धुरी थे। उन्होंने अपने यॉर्कर्स और इन स्विंग से विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। जहीर ने अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में दुनिया के महानतम बल्लेबाजों को अपनी स्विंग के जाल में फंसाकर उनके विकेट लिए हैं। जहीर ने वेलिंगटन में फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला था और 15 अक्टूबर 2015 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारत के बेहतरीन कलात्मक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन अपने समय के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का अचानक अंत हो गया। उन्होंने भारत के लिए कुल 99 टेस्ट खेले हैं। अजहरुद्दीन ने मार्च 2000 में बेंगलोर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला था।